हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग कक्षा छठवीं की आपकी जो चार बुक्स पढ़नी थी हमें वो पढ़ चुके हैं, जिनमें आपकी शामिल थी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक, फिर दूसरी कक्षा छठवीं की बुक्स ही थी हमारा अतीत भाग एक, तीसरी थी पृथ्वी हमारा आवास और चौथी थी आपकी विज्ञान। फिर कक्षा सातवीं में भी हमें चार ही बुक्स पढ़नी है, जिनमें आपकी शामिल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो, इसे हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। फिर है हमारा अतीत सेकंड, इसे भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, और हमारा पर्यावरण अब हम लोग बात करेंगे आज, और फिर बचेगी आपकी विज्ञान, विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग चार बुक्स पढ़ेंगे। याद रखिए, आपकी जो भी इस तरह के चैप्टर एनसीईआरटी से संबंधित खत्म होते जाते हैं हर बुक्स के, वो सभी एक जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी अपनी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूची। याद रखिए आप लोग की हो सकता है कि स्टेट पीसीएस निकल जाए बिना एनसीईआरटी बुक्स पढ़े, लेकिन अगर सिविल सर्विस निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले ही पढ़ लीजिए, बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए पहले ही से पढ़ लीजिए। और याद रखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी, कक्षा आठवीं तक की तो इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे कहानी की तरह आराम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। और हम लोगों कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना थोड़ी है, वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस खत्म। तो बात करते हैं सामाजिक जीवन, सामाजिक विज्ञान। तो यह हमारी हमारा पर्यावरण के नाम से, जब आप लोग खरीदने जाएंगे या फिर आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो वैसे भी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं सभी पीडीएफ। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण जो कक्षा सातवीं के लिए है, ठीक है, भूगोल की, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें आपको देखना है विषय सूची में। पहला अध्याय रहेगा आपका पर्यावरण से संबंधित, दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे हमारा हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा चैप्टर आपका होगा हमारी बदलती पृथ्वी, फोर्थ नंबर का चैप्टर होगा आपका वायु, पांचवे पर जल, छठवा चैप्टर होगा आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, सातवा चैप्टर होगा मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, आठवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में, नौवें चैप्टर में रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें नौ चैप्टर देखना है इसमें। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, पर्यावरण के बारे में। ठीक है,